हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी डिस्कस द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया। वी कंटिन्यू दिस टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज़ फर्स्ट पास एंड पोस्ट सिस्टम, यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे वो उसका है, जो सबसे आगे वही जीतेगा, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही किस तरीके से जीतता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो उसमें पढ़ा था कि जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन की अलग अलग प्रोसेस होती है, उसमें से एक प्रोसेस है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे आगे होगा वही विजयी होगा। लुक एट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, जो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग देख रहे हैं उसे एक बार अगर हम गौर से देखें तो जो न्यूज़पेपर है नवभारत टाइम्स के जो रविवार का जो संस्करण है लगभग 30 सितंबर और 1964 का ये जो संस्करण है उसमें हम देखने को मिलता है पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, यानी कि जो पहली बार कांग्रेस है उसको 3/4 बहुमत मिला है, तो उसके बारे में ये जो टिप्पणी है उसमें हम देख रहे हैं। इट टेक्स ऑफ वन हिस्टोरिकल मोमेंट इन इंडिया डेमोक्रेसी, यह जो हमने जो क्लिपिंग देखी उससे हमें जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें एक हिस्टोरिकल मोमेंट यानी कि एक ऐतिहासिक जो पल है उसके बारे में हमें पता चलता है। इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984 द कांग्रेस पार्टी कम टू पावर विनिंग 415 ऑफ द 543 लोकसभा सीट। इसमें हमने देखा कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है उसने जो 1984 के जो चुनाव हैं उसमें जो लोकसभा की 543 जो टोटल जो लोकसभा की जो सीट्स हैं 543 जो 543 जो सीट्स हैं उसमें से 415 जो सीट्स हैं वो लोकसभा की हमें कांग्रेस पार्टी को मिली। द मोर देन 80% ऑफ द सीट, जो कि जो कुल जो टोटल सीट है उसका 80% से भी ज़्यादा रहा है। सच एज विक्ट्री वाज नेवर अचीव बाय एनी पार्टी इन द लोकसभा, इससे पहले लोकसभा में इस तरीके का जो विक्ट्री है, इस तरीके की जीत किसी भी पार्टी यानी किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिली। व्हाट डिड दिस इलेक्शन शो, हमें इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, जो हमने क्लिपिंग देखी है तो इससे हमें जो जानकारी मिलती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द कांग्रेस पार्टी विन 415 ऑफ द सीट, यानी कि कांग्रेस पार्टी है लगभग उसने जो 3/4 जो सीट हैं उस पर जीत हासिल करी। डज ई मीन द फोर आउट द फाइव इंडियंस वोटर वोट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, इससे हमें पता चलता है कि 5 भारतीयों में से 4 भारतीयों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। एक्चुअली नॉट, अगर हम वास्तव में देखें तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि 80% सीट जो हैं जो कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये मानना चाहिए कि फाइव इंडियंस हैं उसमें से, फाइव इंडियन वोटर्स हैं उनमें से 4 ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। टेक ए लुक एट द इंक्लोज टेबल, यानी कि जो नीचे दी गई जो टेबल है उसमें हम देखेंगे कि द कांग्रेस पार्टी गॉट 48% ऑफ वोट, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी ने केवल 48% वोट प्राप्त किए हैं। दिस मीन द ओनली 48 ऑफ दिस वो वोटेड, यानी कि इसका मतलब है कि जो केवल 48% जो वोटर हैं उन्हीं ने कांग्रेस को वोट दिया है। वोट इज़ फेवर ऑफ द कैंडिडेट बट अप बाय द कांग्रेस पार्टी बट द पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% ऑफ द सीट इन द लोकसभा। जो लोग हैं, लोगों ने, अगर हम देखें तो 40% जो वोट हैं वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, परंतु उन्होंने जो लोकसभा है लोकसभा में 80% से भी ज़्यादा सीटों को जीता है। लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टीज़, अगर हम दूसरी जो पार्टीज़ है उसकी परफॉर्मेंस यानी कि उसके जो उसका उसने जो
दर्शाया है, उसने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, तो उसमें देखेंगे बीजेपी गॉट 7.4% वोट, बस लेस देन 1% सीट। और अगर हम देखें तो बीजेपी को 7.4% वोट मिले हैं लेकिन उन्हें सीट केवल 1% मिली है। हाउ डिड द हैपन, ये कैसे हुआ, ये किस प्रकार से हुआ, तो हम देखेंगे इस टैली में। अगर हम देखें वोट एंड सीट विन बाय सम मेजर पार्टीज़ इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984 में जो लोकसभा में कितने परसेंट वोट मिले किस पार्टी को और उसने कितनी सीटें जीती। जैसे कांग्रेस को 48% वोट मिले और उसे 415 सीट मिली, बीजेपी को 7.4% वोट मिले 2 सीट, जनता पार्टी को 6.7% 10 सीट, लोकदल को 5.7% 3 सीट, CPIM को 5.7% 22 सीट्स। अब इसमें हम देखें जो लोकदल और जो CPIM है उसको वोटिंग परसेंटेज में सेम वोटिंग परसेंटेज है, बट उनकी जो सीट्स है सीट्स में आप डिफरेंट देखेंगे 3 और 22 का। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तेलुगु देशम, इसको वोट परसेंटेज इसका है 4.1 और इसकी जो सीट है वो आ रही है 30, यानी कि जिनको वोट परसेंटेज ज़्यादा मिला है, जैसे लोकदल और CPI को तेलुगु देशम से भी ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला है, बट इनको लोकसभा में सीटें उससे कम मिली है। DMK 2.3 2 सीट, AIA DMK 1.6 12 सीट्स। इसमें भी हम देंगे DMK को AIDMK से डबल वोटिंग परसेंटेज मिला है, बट उनकी जो सीट्स हैं वो बहुत कम है। जहाँ पे DMK को 2 सीट्स मिली हैं वहीं पे AIADMK को 12 सीट्स मिली हैं। अकाली दल 1% 7 सीट एंड AGP 1% 7 सीट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो वोटर्स हैं वोटिंग परसेंटेज और सीट्स में जो डिफरेंट है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरी एक तरीके से बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिला। इट हैपन बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन अंडर दिस सिस्टम। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में एक अलग तरीके का जो इलेक्शन सिस्टम है उसे अपनाया जाता है। जैसा कि हम इस इलेक्शन प्रोसेस में अगर हम देखें, द इंटायर कंट्री ऑफ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो भारत को अगर हम देखें तो पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी कि पूरे भारत को जो लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं 443 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव, हर जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। द कैंडिडेट वो सोर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट दिस द कॉन्स्टिट्यूएंसी द डिक्लेयर इलेक्टेड, जिस भी कैंडिडेट जिस भी उम्मीदवार को उसके निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित माना जाता है, उसे चुना हुआ माना जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट ऑफ दिस सिस्टम वो हैज़, इसे अगर हम देखें तो इसे निर्धारित करने का यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिसमें प्रत्याशी अन्य से ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वही विजयी घोषित माना जाता है।